अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुलाब जामुन बनाने का तरीका, जो कि बहुत आसान है। बहुत मज़े के गुलाब जामुन बनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं गुलाब जामुन। सबसे पहले मैं गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाऊंगी। उसके लिए मैंने 2 कप पानी लिया है। मैं इसको उबालूंगी और इसमें फिर चीनी शामिल करूंगी। पानी गर्म हो चुका है, अब मैं चीनी शामिल करूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाऊंगी। जी, चीनी मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें इलायची डालूंगी और इसमें इसको दरमियान में चेक करूंगी कि ये जल ना जाए। और इधर मैंने ऑयल दिया है। उसमें क्रैक्स ना हो, क्योंकि अच्छी तरह गुलाब जामुन बन जाए। इस तरह सारे बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बन गए, अब इसको फ्राई करेंगे। ऑयल रखा है मीडियम फ्लेम पे, वो तकरीबन गर्म हो चुका है। और गुलाब जामुन को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर आंच तेज़ हो तो फिर ये सारे जल जाएंगे। और इधर शीरा भी तैयार है, तो इसमें हम तकरीबन 1 चाय का चम्मच लीमू का जूस शामिल करेंगे। और इसको मिक्स करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसको फ्राई करते हैं। इसको हम गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। अगर आपको कलर पसंद हो तो आप शीरे में कलर भी डाल सकते हैं। अब इसको फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन हो जाए।
मुरब्बा देखिए गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं। अब इसको निकाल के शीरे में डालेंगे और ख्याल रहे कि शीरा गर्म हो। अब इसको शीरे में तकरीबन 15 मिनट के लिए हम रख देंगे और 15 मिनट के बाद इसको डिश आउट करेंगे। जी 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसको डिश आउट करेंगे। और साथ में शीरा भी डाल लेंगे। थोड़ा सा बादाम और पिस्ते से गार्निश करेंगे। गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।